हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद है रिलैक्सेशन आईटी में। आज हम लैब करेंगे 40 गेट पे, और 40 गेट पे ये हमारी लैब जो होगी ये पांचवी या छठी होगी। और आज मैं आपको बताऊंगा ट्रांसपेरेंट मोड के ऊपर। आपको पता ही होगा इसमें दो तरह के मोड होते हैं। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसमें दो तरह के मूड होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट मूड होता है और एक हमारा नेटिंग होता है। नेटिंग जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अनेबल होता है, और ट्रांसपेरेंट मूड जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है, उसको हमें अनेबल करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपेरेंट जो होता है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अपने एक तरीके से, मैं बता दूं, अगर आपके कुछ चाहते हैं कि हमारे आईपी एनवायरनमेंट की ना छेड़ें, कुछ कंपनियां चाहती हैं कि जो हमारी आईपी जो इस राउटर से जो मेन आईएसपी दे रहा है, मेन आईएसपी है, मेन आईएसपी के बाद राउटर है कंपनी का जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी लगा हुआ है वो, फिर उसके बाद आपकी ये फायरवॉल है, ये फायरवॉल है 48 है, ये फायरवॉल है, फिर इसके बाद आपके स्विच हैं, और स्विच के बाद फिर आपके क्लाइंट्स हैं। तो इस तरीके का कुछ सब है। तो आपके क्लाइंट्स हैं, आपके क्लाइंट्स इससे हिट होते जाते हैं नेटिंग के थ्रू। नेटिंग के थ्रू ये होता है आपके नेटिंग में ये होता है कि आपका ये होता है, फिर राउटिंग टेबल बनता है, राउटिंग करना पड़ती है, राउटिंग टेबल बनता है, फिर यूज़र इसके पास जाते हैं, इसकी आईपी लेते हैं, फिर इधर से होते हुए आपके राउटर से होते हुए आईएसपी की तरफ जाते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रांसपेरेंट मोड होता है वो डायरेक्ट होता है कि यूज़र डायरेक्ट हिट हुआ, डायरेक्ट आईएसपी से जुड़ गया। मतलब एक तरीके से जो 40 गेट होती है वो होती तो इसके साथ ही कनेक्ट है, लेकिन जो जो एनवायरनमेंट जो रूल्स एंड पॉलिसीज चल रही होती हैं वो हमारी नेटिंग के थ्रू नहीं चल रही होती, वो ट्रांसपेरेंट मोड के थ्रू हो रही होती है। एक तरीके से आप समझ लें कि वो डायरेक्ट लाइन हो जाती है, डायरेक्ट हो जाती है, यूज़र इस तरह क्लाइंट को कुछ पता नहीं चलता, वो ट्रांसपेरेंट। और ये मेरे ख्याल से लेयर 3, जहाँ तक मुझे पता है लेयर 3 पे काम कर रहा होता है। लेयर 3 पे इस पर आपका वीपीएन नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंट मोड पर वीपीएन नहीं चलेगा, और बहुत सारी कुछ सर्विसेज होती हैं वर्क नहीं करती, वीपीएन मस्ट होता है, इस पर नहीं चलता। ओके, तो वीपीएन काम नहीं करता, तो नेटिंग के ऊपर वीपीएन काम करता है। और इससे ये होता है कि आपका जो रूल्स एंड पॉलिसी होती है वो सब बने होते हैं, लेकिन आपके जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं वो डिसेबल होते हैं, वो वर्क नहीं कर रहे होते, वो डायरेक्ट आपके आईएसपी से ही काम ले रहे होते हैं। मतलब जो आपके राउटर होगा वो इसी को ही उठा के दे रहे होंगे आगे यूज़र को, एक तरीके से। सही है गाइस? तो इस तरीके से हम इस सेटअप को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसी तरीके से तो आज हम लैब करेंगे इस पे। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको लैब की तरफ ले जाता हूँ, ये मैं लॉगिन करता हूँ इसको। ओके, तो ये मैंने लॉगिन कर लिया। अच्छा, मैं लॉगिन कर चुका हूँ, और इसमें पहले से ही आपको पता है कि इंटरफेसेस हमारे बने हुए थे। ओके, जो मैंने आपको अगर पिछली वीडियो में देखेंगे, मैंने नेटिंग के ऊपर करके दिखाया था। नेटिंग का मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ होता है। आप डैशबोर्ड पे आएंगे, डैशबोर्ड पे आने के बाद स्टेटस पे आएंगे, स्टेटस पे आप देखेंगे, ये देखेंगे आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मूड जो हमारा नेट हुआ है इसको हमें ट्रांसपेरेंट पे लेके आना पड़ेगा। ओके, ट्रांसपेरेंट पे लेके आएगा तो, और इसके लिए हमें, आपको पता होगा कि हमारे नेटवर्क कार्ड बने हुए थे, नेटवर्क पे आएंगे, इंटरफेसेस बने हुए थे। इंटरफेसेस में हमारे कौन कौन से बने हुए थे, एक वैन बना हुआ था, एक लैन बना हुआ था। ओके, वैन है और एक लैन है। अब हम जब मैं इसको कन्फिगर करूँगा सीएलआई के थ्रू करूँगा, सीएलआई के आपके मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये ऊपर वाले लीड डायरेक्टरी पे करेंगे तो सीएलआई कंसोल खुल जाएगा। ओके, इस पर मैं आपको दिखाता हूँ, शो सिस्टम्स आईएनटी इंटरफेसेस दिखाऊंगा। तो ये देखिए मेरे पास इंटरफेसेस बने हुए हैं। ओके, अच्छा, अब मैं इसको ट्रांसपेरेंट मोड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको ट्रांसपेरेंट में लेके जाऊँ, तो ट्रांसपेरेंट में लेके जाता हूँ। अच्छा, इसके लिए हमें कुछ कमांडें लिखना पड़ेंगी। कमांड मैं आपको बता दूँ कौन सी लिखना पड़ेगी इसके लिए। इसके लिए हम लिखेंगे कॉन्फ़िग सिस्टम्स और सेटिंग, सेटिंग करेंगे, फिर इंटर करेंगे तो ये आपके पास सेटिंग पे आपको ले जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सेट MVM, मॉप मूट करेंगे और ट्रांस लिखेंगे, ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। ओके, ट्रांसपेरेंट लिखेंगे, इंटर करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट करेंगे, आपके पास ये एरर शो करेगा। ये एरर इसलिए शो करेगा कि आप देख सकते हैं कि वी लेंस हमारी कन्फिगर हुई नहीं है,
और इसको कह रहा है कि मैं इसको क्लियर करो, इसको मैजिक स्विचेज भी से डिसेबल करो और 40 लिंक को रिट्राई करो। तो इस तरीके से हमें इसको डिसेबल करना पड़ेगा। इसको हम डिसेबल करते हैं। डिसेबल करने के लिए हमें क्या चलाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िग। इसको सबसे पहले सेंड होना होगा, बाहर आना होगा सेटिंग से। सेटिंग से बाहर आएंगे, सेटिंग से बाहर आने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेसेस, लिखेंगे इंटर करेंगे या फिर इंटरफेसेस पे लेके आएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे एडिट एडिट और यहाँ पे वी डॉम लिखेंगे, वी डॉम। और वी डॉम लिखने के बाद आरओटी रूट करेंगे, सॉरी एडिट के बाद लिखेंगे हम एडिट एडिट, और एडिट के बाद लिखेंगे हम FOR, ये 40 लिंक्स। ओके 40 लिंक लिखेंगे, इसको इंटर करेंगे। इंटर करने का ये 40 लिंक में आपको ले जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सेट ओके स्पेस वी डॉम। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं वो एक तरीके से डिसेबल हो जाए, तो उनको डिसेबल करने के लिए कर रहे हैं। ओके गाइस, तो वी डॉम रूट, ये जब भी आप इसको ट्रांसपेरेंट पे ले गए हैं तो मेरी माने तो इसको आप एक बार फोर्टीगेट को रीसेट कर दें, क्योंकि आप हमेशा जब नेट पे इसको ले गए हैं, नेट पे लेके जाएं या इसको जब नहीं कन्फिगर हो तभी करें, वरना ये काफ़ी ज़्यादा मसले करने शुरू कर देती है। तो मैं आपको लैब पे दिखा रहा हूँ, तो लैब पे तो इस तरीके से कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। सेट FOR ये लिखेंगे 40 लिंक, फिर स्पेस इसको डिसेबल करेंगे, डिसेबल करेंगे इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे सेट IP देंगे, IP दे दें आप। ओके IP देने के बाद हमें कौन सी IP देनी है, 192 जो आप देना चाहें आपको सही लगे, 101 स्पेस 255.255.255.0। ओके इंटर, कोड दिया भी चेक करते हैं एरर कोड के लिए, 192.168। अच्छा इसमें हम IP सेट करते हैं दूसरी। अच्छा, सही सही सही, रॉन्ग कर रहा हूँ मैं, सेट IP करते हैं इसमें 172.15.0.100 स्पेस 255.255.0.0। ओके हाँ, तो ये देखें गाइस हमारी सेट हो गई। IP हमें दूसरी सेट करनी होगी, क्योंकि ये IP हमारे पर रूट कर रही है, रूट कर रही है IP ना वैन लिंक के ऊपर, तो सॉरी गलती हुई थी, मिस्टेक थी। फिर हम लिखेंगे सेट वही एलिमिनेशन, इधर हम देंगे पिंग। ओके पिंग दे दें बस, और एक फायरबॉल दे दें। ओके FAB ओके पिंग स्पेस FAB ओके फैब्रिक दे देंगे, इंटर करेंगे और बस इसको करेंगे एंड। ओके गाइस एंड करने के बाद अब हम दोबारा वो कन्फिगर करेंगे, कन्फिगर देखते हैं, कन्फिगर करके चेक करते हैं। इसको हम करते हैं कन्फिगर, अच्छा कन्फिगर 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 करने के बाद हम करेंगे कन्फिगर सिस्टम सिस्टम सेटिंग इंटर। फिर हम लिखेंगे सेट स्पेस ओपमूट, पहले हमारा एरर आ रहा था आपको पता होगा, अब दोबारा हम चेक करते हैं एक बार ट्रांसपेरेंट इंटर। तो ये देखिए हमारे को ट्रांसपेरेंट कर दिया इसने। ओके तो जैसे ही मैंने पिछली बार कमांड दी थी तो इसने मुझे एरर जनरेट कर दिया था ट्रांसपेरेंट का। तो अब हम यहाँ से दोबारा सेट
मैनेज, अब हम आईपी देंगे जो हमें रूट करवानी, उससे हम 192.168.1.1. देंगे 200, ओके 200 देंगे स्लैश 24 इंटर, ओके ये हो गया हमारा। फिर हम सेट जीएटी गेटवे करेंगे, हमारा गेटवे कौन सा होगा, जो आपके राउटर से जो कनेक्ट होगा ना वही देंगे एक तरीके से। मैं आपको पिक्चर पे ले जाके बताऊँ, पिक्चर में आपको समझ, ये देखें ये हमारा आईएसपी है, आईएसपी पे हमारा जो चल रहा है 192.168.1. ये चल रहा है, ओके ओके गाइस। तो हमारा 100 चल रहा है शायद 100 आईएसपी। तो आईएसपी में कैसे चेक कर सकता हूँ मैं यहाँ से, कि मेरी VM8 मैंने आपको दी थी, आपको अगर मेरी पिछली वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बताया था कि VM8 को मैंने आईएसपी के थ्रू कनेक्ट करा हुआ है, तो ये 1 दी हुआ है, तो मैं इधर जो है 1 दूंगा, तो 1 दूंगा, 100 नहीं दूंगा 1 दूंगा, तो 1 है इधर, ओके ओके गाइस। तो मैं 1 दूंगा, तो ये समझ ले मेरा आईएसपी जो है ये 1.1 है, ओके। तो मैं इधर गेटवे भी सेट जो करूँगा 1.1 करूँगा, ओके गेटवे 192.168.1.1, ओके 1.1 करने के बाद मैं इसको इंटर करूँगा, तो ये हमारा सेट हो गया। अब मैं इसको एंड करूँगा, तो ये एंड हो गया। अच्छा ये चेंज है, ये देख सकते हैं चेंज टू टीपी मोड, मतलब मोड चेंज हो चुका है, मोड चेंज हो चुका है। और अब मैं सीएलआई को बंद करूँगा, और अब मैं 48 की जो है इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा एक बार, और रिफ़्रेश करूँगा ये तो देखें नहीं ओपन हो रहा पेज, इसका मतलब ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमने आईपी सेट करी थी वो आईपी जो सेट थी हमने वो करी थी 1. गाइस जो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि जो हमने जो इसमें जो अब ऐड करवाई थी, आप देख सकते हैं 192.168.100 पे लॉगिन हो रहा था, अब ये जो होगा 192.168.2. सॉरी 1.200 करा था, ओके 1.200 करा था, इसको करेंगे। और ये देखें पेज आ गया, ओके पेज आ गया। अब हम दोबारा से इसको पासवर्ड देंगे एडमिन, और लॉगिन करते हैं, और अपना मूव चेक करते हैं कि कौन से पे। अच्छा ये एक्सपायरी का आ गया, तो अच्छा गाइस, तो हम इसको लॉगिन करते हैं। अब हम इस मशीन को यहाँ से दोबारा से लॉगिन करते हैं, क्योंकि वो एक्सपायरी डेट का आ गया था, इशू आ गया था, तो दोबारा से अब हम इसको लॉगिन करते हैं एडमिन, और पासवर्ड देते हैं वही, इंटर करते हैं। तो ये गाइस लेटर, तो जल्दी लेटर हुआ इसको करें। तो गाइस आप ये देखें इसका स्टेटस पे आ रहा है, सही सही। तो ये देखें मूड देख सकते हैं, पहले हमारा मूड जो आ रहा था नेट आ रहा था, और अब जो मूड आ रहा है वो हमारा ट्रांसपेरेंट आ रहा है। और मैं अगर आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से लेके जाऊँ, इंटरफेसिस पे जाऊँ, तो ये देख सकते हैं आपके इंटरफेसिस पे हमारी सारी आईपी हट चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आईपी कोई भी नहीं है, और वैन पे भी नहीं है, ना लैन पे कोई आईपी सेट है, ओके। अगर मैं पॉलिसीज़ पे आऊँ तो पॉलिसीज़ भी कोई नहीं होगी बनी हुई, क्योंकि पॉलिसीज़ हमें दोबारा से इसमें बनाना पड़ती हैं, वाली पॉलिसी सब बंद हो जाती हैं, ओके। तो अभी गूगल करूँगा तो गूगल नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको, क्योंकि 12 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बन चुकी है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि हम ट्रांसपेरेंट मोड में नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसे करेंगे अपने आईएसपी से डायरेक्ट, ओके गाइस। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और हमारे पेज को भी सब्सक्राइब करें, ओके खुदा हाफिज़।